मीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी मुद्दों को प्रतिदिन वीडियो बनाकर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आज का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता क्या होता है। ये वीडियो ADPO, सिविल जज, नए एडवोकेट्स, नए मजिस्ट्रेट तथा लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसे एस्केप न करें, चैनल से जुड़े रहिए। आपका जो प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे लगभग 8,000 सब्सक्राइबर आप लोग जैसे हो गए हैं, जिनसे मुझे काफी संबल मिल रहा है और मैं प्रतिदिन नए नए विषयों को लेकर कुछ न कुछ कानूनी जानकारी आपकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विषय है मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको पुरानी आपने एक हिंदी किताब में पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर की एक कहानी होती थी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की, उसी आधार पर ये मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन का जो कंसेप्ट है, इससे केसेस की पेंडेंसी जो कोर्ट्स में बढ़ी हुई है, बैकलॉग करोड़ों केसेज कोर्ट में इकट्ठे हैं, ये काफी हद तक कम हुई है। मध्यस्थता का जो कंसेप्ट है, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंतर्गत ADR के अंतर्गत आता है। इस मध्यस्थता के अंतर्गत दो लोग, दोनों पार्टीज आपस में किसी भी तरह के कमर्शियल मैटर, इंडस्ट्रियल मैटर या ट्रेड से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, एग्रीमेंट से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते हैं, वो वैकल्पिक विवाद के रूप में कोर्ट न जाते हुए वो पहले एक पार्टीज दोनों आपसी सहमति से एग्रीमेंट कर लेती हैं कि यदि हमारे मध्य किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम न्यायालय में न जाकर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रूप में आर्बिट्रेशन के द्वारा किसी एक थर्ड व्यक्ति को, जिस निष्पक्ष होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसको इसमें नियुक्त किया जाता है और ये आर्बिट्रेटर उन दोनों के मामले को बिल्कुल सामान्य ढंग से सुनकर अपना अवार्ड या पंचायत पास करता है जो दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। तो इसको पंच एक तरह से कहा जा सकता है। जैसे कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, पंचों के द्वारा जो नियम गांव वगैरह में निर्णय दिया जाता था, वो आपने सुना भी होगा, उसको लोग मान्यता देते थे और मान्य करते थे। तीसरा व्यक्ति एम्पायर के रूप में बैठता है इसमें। इट इज ए काइंड ऑफ प्रोसीजर टू रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर ही जो भी व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किया है, वो झगड़ों को सुनकर सुलझाता है और अपना अवार्ड या पंचायत देता है। ट्रांजैक्शंस जैसे तीन तरह के होते हैं इन गतिविधियों में। एक तो होता है ट्रांजैक्शन, सबसे पहला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन से संबंधित कोई समव्यवहार है, दो व्यक्ति आपस में आर्थिक गतिविधि से जुड़े हैं, किसी तरह का विवाद बाद में, मनुष्य है, स्वाभाविक है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर व्यक्ति का होता है, अपने अपने सोचने का ढंग है और इसी में विवाद उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है सोशल, कोई भी मैरिज से संबंधित, मित्रता से संबंधित, सामाजिक कल्चरल एक्टिविटीज से संबंधित, तो ये इस तरह का ट्रांजैक्शन भी होता है। थर्ड होता है पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन, जैसे NGO है, इलेक्शन है, राजनीतिक गतिविधि है, वोटिंग है, चुनाव है, इनको लेकर। तो ये तीन तरह के ट्रांजैक्शन जो होते हैं, इनमें किसी भी तरह का जब कोई विवाद होता है तो इसके लिए दोनों पक्षकार पहले आपस में ये तय कर लेते हैं कि मामला न्यायालय में न ले जाकर बाहर ही अपने चॉइस के थर्ड व्यक्ति को, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपसी सहमति से तय कर लेते हैं। और उसमें एक क्लॉज डाला जाता है एग्रीमेंट क्लॉज में कि यदि किसी तरह का कोई इस गतिविधि में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो इसका निराकरण आर्बिट्रेटर से कराया जाएगा। विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। और जब कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा होता है जिसके बारे में पहले से एग्रीमेंट लिख दिया गया है, करोड़ों केसेज, लॉट्स ऑफ केसेज हमारे यहाँ भी न्यायालयों में लंबित है। सबसे ऊपर की जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है, उसके नीचे की सभी राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर जुडिशियल। तो ये जो बैकलॉग सिस्टम है, इससे इसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रूप में केसेस की पेंडेंसी को मध्यस्थता के माध्यम से किया गया है और इसे कानूनी मान्यता भी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या वैकल्पिक विवाद निराकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। सिविल डिस्प्यूट्स केवल इसमें आते हैं जो दीवानी प्रकृति के दावे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर्टी से संबंधित, लेन देन से संबंधित, कमर्शियल ट्रेड से संबंधित, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई ऑब्लिगेशन है उससे संबंधित, एग्रीमेंट वगैरह के मध्य, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इनमें किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो पक्षकार पहले से जो एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है, दोनों पार्टीज के उस पर एग्रीमेंट पे दस्तखत रहते हैं,
कि हम अपना मामला न्यायालय के समक्ष न ले जाकर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या आर्बिट्रेटर के पास निपटवाएंगे। ये तीसरा व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति होता है, निष्पक्ष होता है, किसी तरह का जी बायस्ड नहीं होता है और दोनों पक्षों को सुनकर सही ढंग से फेयर इम्पार्शियल निर्णय देता है। पक्षवारों की कंसेंट चूंकि पहले से ही एग्रीमेंट में थी तो इसका जो अवार्ड या पंचाट आता है जिसको ऑर्डर भी कह सकते हैं वो दोनों पक्षों पर लागू होता है। दोनों पक्षकार उस पर पहले से चूंकि एग्रीमेंट में दस्तखत कर चुके हैं बाध्यकारी प्रभाव रखता है। इनफॉर्मल ये प्रोसेस है, पूरा इसमें हार्ड एंड फास्ट लॉ के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इनफॉर्मल प्रोसेस के रूप में वो दोनों पक्षों को सुनकर फेयर इम्पार्शियल जस्टिस देता है। यदि कोई भी विवाद पैदा होता है तो दोनों पक्षकार इसमें कोर्ट में न जाकर बाहर उस आर्बिट्रेटर से जो थर्ड व्यक्ति है इंडिपेंडेंट है अनबायस्ड है उसके द्वारा दिए गए जिसको बोलते हैं मध्यस्थता के आर्बिट्रेटर के रूप में जब ये दोनों पक्षकारों को सुन के फैसला देता है। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 का एक अधिनियम भी आ गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कानून द्वारा इस प्रकार इसको वैधानिक मान्यता दी गई है। तो इस तरह ये पंच परमेश्वर के रूप में आर्बिट्रेशन के मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निराकरण करने में केसेस की पेंडेंसी कम करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समाज के सामने आया और ये काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है जैसा मैंने बताया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। तो मैंने इस वीडियो में आपको आर्बिट्रेशन के कंसेप्ट इट इज कॉल्ड मध्यस्थता जो कि पार्टियों की स्वयं की फ्री कंसेंट से और एग्रीमेंट के माध्यम से किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सबसे अच्छा साधन है और ये काफी प्रभावी और उपयोगी विषय हुआ है। समाज में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, इन विवादों का निराकरण आर्बिट्रेटर के माध्यम से मध्यस्थता के माध्यम से आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 के तहत किया जाता है। वीडियो यदि मेरा ये अच्छा लगा हो तो समाज के हर प्रत्येक नागरिक को पहुंचाए। मेरा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि लोगों को कानून आम आदमी को कानून की जानकारी हो सके। इसी उद्देश्य से मैं आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश नए नए वीडियोज इस चैनल पर ला रहा हूँ और लगभग मेरे को पूर्ण आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।